जैसे कि मैंने कहा था कि दूसरी कार भी आने वाली है, मैं वो भी दिखाऊंगी, तो वो काफी टाइम के बाद आया है। चलते अब वो देख लेते जल्दी से। ये है महिंद्रा का 700। आई डोंट नो कि ये न्यू वर्जन है कि नहीं, पहले ये गाड़ी दिखाते। घर वाले सब आ रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इस कार के बारे में और देखेंगे कि इसमें क्या क्या है, फैसिलिटीज़ और माइलेज क्या दे रहा है, फिर हम डिसाइड करेंगे दोनों कार में से, क्योंकि पैसे भी देखने पड़ेंगे दोनों कार के, है ना। तो चलिए देखते हैं। सोमा देख कैसा हो गया? आप सोमा को ही लेना है ना। चलो, ये वो वाली है क्या जो मैडम? ये ना अभी पहले का मॉडल है। ये पहले का मॉडल है सोमा? अभी तक आया नहीं है मैडम नया गाड़ी। और अच्छा। ये जो आपको ब्लैक कलर जो देखना है ना, इसमें ब्लैक ही है कि व्हाइट भी है ना? नहीं, व्हाइट अलग आएगा, ब्लैक आपको ये वाला आएगा जो कार में जो आया ना, ये वाला नेपोलियन। अच्छा, ये अच्छा नेपोलियन। दिस इज नॉन मेटालिक, दिस इज मेटालिक कलर। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो है ना, ये एक्चुअली ब्लूइश कलर है, लेकिन इसका शेड का नेम है मिडनाइट ब्लैक। अच्छा, मिडनाइट ब्लैक। और इसका क्या नाम होगा? इसका नेपोलियन ब्लैक है। नेपोलियन ब्लैक। अच्छा, जो कार में आता है सेम कलर है। अच्छा, आपको मैं इसमें भी दिखाता हूँ। तो उसका शेप वगैरह सब सेम रहेगा? सेम 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 रहेगा। और जो नया मॉडल है ना, उसमें सिर्फ वेंटिलेटेड सीट्स ये हुआ ऐड हुआ है, और एंड्रॉइड सिस्टम है उसमें, दो तीन फीचर्स ऐड हुए। अच्छा, बाकी सब सेम है? सेम सेम एवरीथिंग। म्यूजिक सिस्टम है ना, उसमें दो चार फीचर्स ऐड हुए हैं एंड्रॉइड में, और इसमें वेंटिलेटेड सीट्स आएंगे इसमें, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये सेम है? सेम रहेगा। अच्छा, देख सकते हैं। सोमा देख ले, ये वाला देख ले। अलग अलग शेड्स है। अरे ऊपर खोलने का। ये रहे सनरूफ। ये भी खोल सकते हैं। सेम हम फिर से निकल चुके हैं, हम अभी जा रहे हैं बैक रोड। इस बार मैं और सोमा लेने वाले हैं टेस्ट ड्राइव। इसमें ना सोनी का म्यूजिक सिस्टम आएगा। अच्छा, 12 स्पीकर इंक्लूडिंग वूफर वगैरह आएगा, यहाँ पे कंट्रोल दिया है। अच्छा, हम लोग को क्या करना पड़ता है, बाहर से आके सीट एडजस्ट करना पड़ता है ना, आगे पीछे। तो यहाँ पे एक लीवर दिया है, अगर ये लीवर पीछे से आप एडजस्ट करोगे तो सीट फ्रंट बैक हो जाएगी। बस कर लीजिए सर, पता लग जाएगा, एक बार चेक कर ले। अच्छा, थोड़ा पुश करना पड़ेगा। अच्छा, मेरे ये लीवर एक करके आगे कर। अच्छा, तो पीछे से आप कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें चार्जर के चार्जिंग का क्या है? फास्ट चार्जिंग के लिए यहाँ पे दो फोन आप रख सकते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे पावर बैंक भी दिया, कनेक्ट मीन्स का आप वायर भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर बाकी इसमें क्रूज कंट्रोल वगैरह है, पावर मिरर्स है, इंडिकेटर्स है, पावर विंडो वगैरह तो स्टैंडर्ड है, एयर बैग्स है। कितने एयर बैग्स है इसमें? 6 एयर बैग है, दो आगे, दो ये दो कर्टन में आएंगे, पीछे एक, सॉरी 7 आएगा, एक एक नी का भी आएगा। 7 नी का भी है, और ये इसमें कैमरा भी है। कैमरा 360 डिग्री का है, तो आपको चारों साइड का पूरा व्यू मिल रहा है, देखिए। अच्छा, इसमें ना एक माइक्रो हाइब्रिड सिस्टम दिया है, जैसे हम लोग ने अभी सिग्नल पे गाड़ी खड़ी होगी ना, तो ऑटोमेटिक गाड़ी बंद हो जाएगी ऑन मोड पे, डी मोड पे। अच्छा, लेकिन जैसे आप ब्रेक से पैर हटाएंगे ना, तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट करेगी, आपको स्टार्टर पुश बटन करना नहीं पड़ेगा, ऑन नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, राइट लेफ्ट सिग्नल कोई भी लेते हो ना, लाइक हम लोग अभी राइट पे जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे कैमरा से व्यू अच्छा, मिलेगा। अच्छा, तो आगे कुछ पत्थर या पोर्टल है कुछ भी रहेगा, तो यहाँ पे तो ये मतलब आगे का है, दिखा रहा है कि वो राइट नहीं, नहीं, राइट का मिरर में कैमरा है ना। अच्छा, राइट का पूरा व्यू मिलेगा, पूरा व्यू मिलेगा। अभी मैं लेफ्ट का लेता हूँ तो लेफ्ट का व्यू मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सिग्नल जब देगी तो। अच्छा अच्छा, और ये जो लाइन्स है ना बीच में अपना, जो ये जो लाइन्स है व्हाइट बेल्ट है ना, अगर मैं ये ऐसा डायरेक्ट लेफ्ट में जाता हूँ ना, तो स्टेयरिंग थोड़ा हार्ड लगेगा। अच्छा, गाड़ी इंडिकेट करके आपको लेन कटिंग करेंगे ना, तो गाड़ी इंडिकेट करे आप कुछ गलत करे, तो अगर आप लेफ्ट सिग्नल या राइट सिग्नल लेते हो ना, तो स्मूथली हो। अच्छा अच्छा अच्छा, कंपनी ने दिया है 14 तक, लेकिन आपको 10 टू सिटी में, नहीं नहीं 14 उनका टेस्टिंग कंडीशन में रहता है। अच्छा, आपको सिटी में 10 टू 11 आएगा पेट्रोल में। अच्छा, और डीजल रहेगा तो 12 तक आएगा, हाईवे पे ज्यादा रहेगा, 2-3 किलोमीटर का फर्क रहेगा। अच्छा, और इसमें पर्सन टू पर्सन वेरी भी रहता है, आप टायर प्रेशर क्या मेंटेन रखते हो उस पर भी, ट्रैफिक कंडीशन उस पर मायने डिपेंड करता है, जितना बोला उतना देता भी है।
मैडम अपना अभी आपको तो यहाँ का ट्रैफिक कंडीशन मालूम है, सब जगह रोड का काम चल रहा है, तो डिपेंड कैसा कंडीशन है उसमें। न्यू फीचर्स है ना, तो डिलीवरी टाइम 45-30 तो 45 डेज का है। सोमा लेने वाली है टेस्ट ड्राइव अभी, फिर बाद में मैं लूंगी। पीछे आगे पीछे करो या ना, बैक रेस्ट के लिए। टू रहेगा, दो रहेंगे, बीच में गैप रहेगा, कैप्टन सीट रहेंगे। ये प्रेस कीजिए, रेड वाला निकल जाएगा। कौन सा प्रेस करना? ये वाला पार्किंग का। अच्छा हो गया ना, करना तो। सीट बेल्ट नहीं लगाई। मैं भूल गया, मैं तो टेस्ट ड्राइव कर रही हूँ, सीट बेल्ट की क्या जरूरत है। ज्यादा दबा रही हूँ तो एकदम से ये हो रहा है, झटके जैसा लग रहा है। सोमा ने टेस्ट ले लिया है, अब बारी मेरी है। हैंडब्रेक नहीं है, खोलो है ना, हैंडब्रेक लगा हुआ है। नहीं, हैंडब्रेक नहीं लगा हुआ है, पार्किंग मोड पे हैंडब्रेक ऑन रहेगा तो ये अभी देखते हैं। अभी ये म्यूजिक का कंट्रोल यहाँ पे है, ये हिल मोड पे जाते हैं ना तभी यूज करना है, ऑटो होल्ड करना है। बाकी पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल और ड्राइव मोड का है, इधर आपको इंडिकेशन भी आते हैं। अच्छा, और आपको ये बटन दबाओगे ना पीछे का अगर डायरेक्ट खोलना है यहाँ से, अगर लॉक है तो नहीं, यहीं से वहां से भी इंडिविजुअल है ना, है ना इंडिविजुअल। सीटिंग पोजीशन आप सेट कर देना बटन। अच्छा, बच्चे लोग नजदीक है, बड़ा वाला जो दिख रहा है ठीक है, कौन सा है ना? नहीं नहीं नहीं, छोड़ की है। अच्छा, अभी सिग्नल आपको हैंड ब्रेक रिलीज करना पड़ेगा। अच्छा, हैंड ये प्रेस करो, प्रेस कर। अच्छा अच्छा, वहां पर। फिर उसमें एक एड ऑन किया गया है, 6-सीटर ऑप्शन दिया है। हाँ? और आपको डबल टोन का ऑप्शन दिया है, डबल टोन का ऑप्शन, ड्यूअल कलर रहता ना वैसा, वो पहले नहीं था, अभी दिया है 24 में। जैसे आप कंटिन्यू ड्राइव कर रहे हो। हाँ? आपको मींस गाड़ी आपको ऑन करेगी कि आपको अभी मींस आया आपका तक गया है तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, या आप दूसरे ड्राइवर को शिफ्ट कर सकते हैं। डोर ओपन करने के बाद सीट ऑटोमेटिक पीछे जाती है, जस्ट लाइक गाड़ी वेलकम कर दिया आपको अंदर आने के लिए वैसा। अगर सीट आगे अगर रहती है ना, तो डोर ओपन करने के बाद सीट ऑटोमेटिक पीछे जाती है। अच्छा, और ये जो बटन है ना राइट साइड में आपको हैंडल के इधर, तो उधर 3 मेमोरीज है। अच्छा, तो एक समझो आप 3 जन चलाते हो, अलग अलग सीटिंग पोजिशन है, आपने सीटिंग पोजिशन सेट करके रखा उसमें मेमोरी में, तो जैसे आप बैठेंगे तो ऑटोमेटिक सीट आपका पोजिशन पे एडजस्ट हो जाएगा। उसके लिए ऐसा कुछ है, 1-2-3 ऐसा है, सेट करना पड़ेगा। यस, आपका व्हीकल डिलीवरी होता है ना मैडम, तो उसके 1-2 दिन बाद आपके पास एक घर में एक होम इंस्टॉलेशन का बंदा आएगा, आपको पूरा गाड़ी एक्सप्लेन करेगा, उसमें वारंटी, एक ऐप रहता है सर्विस का वगैरह, इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो वो सब डाउनलोड करके देगा और आपको गाड़ी पूरा एक्सप्लेन करेगा। उसमें अप्रोक्सीमेट 2-2.5 घंटा जाता है एक्सप्लेन करने में, लेकिन वो प्रॉपर समझा देगा। अभी हम इसका बूट स्पेस देख लेते हैं। ब्रेक का है, ब्रेक हैंड ब्रेक है। अच्छा अच्छा, ये था हैंड ब्रेक। अच्छा, कर दिया पार्किंग। हाँ, टच वाला है नहीं, उसमें फ्रिक्शन में दिया था, इसमें नहीं दिया। जो नहीं, जो आप जो बता रहे हो उसमें है नहीं? नहीं नहीं, इसमें। अरे बाबा, सोमा ये देख, ये तो जगह ही नहीं है। टूल किट स्पेयर व्हील। अच्छा, टायर नीचे है, मम्मी नीचे। और ये बूट स्पेस है, ये आप पूरा सीट फोल्ड हो जाता है, ये पूरा सीट ऐसा फोल्ड हो जाता है, इतना जगह मिलता है। सेकंड वाले में देख लेते हैं, ये देखिए, ये है, यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, एसी का दिया है। पीछे अगर बैठ के देखते। हाँ, एक बार पीछे बैठ के देखते, सोमा पीछे बैठ के देख जरा,
देख बंद कर एक मिनट। हाँ तकलीफ तो मम्मी सब में ही होता था, उसमें भी ये रहा। हाँ मतलब पैर रख सकते हैं, फॉर्च्यूनर जैसा नहीं है, बहुत ज्यादा ये है। एडल्ट है ना, एडल्ट शॉर्ट ड्राइव के लिए ठीक है, लॉन्ग ड्राइव के लिए उनको कंफर्टेबल है। जैसे गाड़ी स्टार्ट होती है तो ऑटोमेटिक लॉक होता है। अच्छा, अदरवाइज आप इस पे भी लॉक कर सकते हैं। अभी ये करके दिखा रहे, देखिए। ओके, तो ये था महिंद्र SUV 700। इसका जो न्यू वर्जन है वो अभी तक आया नहीं है, लास्ट ईयर वाला जो मॉडल है वो लेके आया है। तो हमने ये दोनों कार देख लिया है। मुझे और मेरी माँ को तो सीरियसली बोलूँ, हमको MG वाला पसंद आया। दोनों कार ही देख ली है। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे इतना मज़ा नहीं आया। एक्चुअली MG ग्लॉस्टर में जो लग्जूरियस फील हो रहा था ना, वो फील इसमें 700 में नहीं हो रहा था। सच को मेरी माँ को और मुझे तो MG पसंद आए। इनफैक्ट मेरी सिस्टर को भी, उसको उसका भी कहना है कि वो लग्जरी वाला फील ना वो नहीं हो रहा था। बट फाइनेंशियली भी देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। बट आप लोगों को दोनों कार कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे कौन सी वाली कार लेनी चाहिए। टाइम है अभी फ़िलहाल सोचने के लिए, क्योंकि हमको भी सोचना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं प्लान करूंगी लेने के लिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।